गीता का 6:8 का वचन दिया है, प्रभु ने हमसे कि हमारी कमियों को प्रभु बता रहा है यहाँ पे कि प्रभु न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और नम्रता से चले। और जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है वो बहुत नम्र और मन में दीन है, क्योंकि उसी का पीछा हमको करना है, क्योंकि उससे ही हमको सीखना है कि हमारा प्रभु नम्र और मन में दीन है। तो मैं एक वचन बताता हूँ, यरमया 9:23-24। प्रभु ऐसे ही बातों से प्रसन्न रहता है कि घमंड का बहुत सारी पहलू है। हम इंसान के अंदर, हर एक के अंदर घमंड है। एक रोड पे भिखारी है उसके अंदर भी घमंड है, लेकिन प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करता है कि प्रभु घमंडियों का सामना करता है तो दिनों पर प्रभु अनुग्रह करता है, इसलिए कि प्रभु हमको दीन बनाना चाहता है कि आप और हम में क्या घमंड है, हम अपने आप को जांचे कि मैं दूसरों पर दोष नहीं लगाता हूँ। कि ये बाइबल पढ़ते समय मेरे को ये बातें है कि प्रभु ये मीका का वचन मुझे दिखाता है कि अपने अंदर जो कमियाँ हैं कि हम उसको सुधार सकते हैं। प्रभु ऐसे बातों से वो प्रसन्न रहते हैं। प्रभु हमसे यही उपेक्षा करता है कि तुम मन में दीन बनो, क्योंकि स्वयं वो दीन है तो हमको भी उसी रास्ते से प्रभु चलाना चाहता है। तो मैं और एक वचन देखता हूँ, लुका का 9:23 तो पढ़ना। तो हम लोग जिस यीशु पर विश्वास किया है वो सीधे चाल चलता है, हमारे अंदर बहुत सारी टेढ़ी चाल है, उसको हमको सुधारना है। यीशु मसीह एकदम वो निष्कलंक निष्पाप निकला है, वो हमारे समान इस पृथ्वी पे मनुष्य बन के आया, लेकिन उसने जीने की एक तरीका बताया कि हम लोग को कैसा जीना है। पुराने नियम में बहुत सारे नबी आए थे लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हुए, लेकिन सर्वसिद्ध यीशु मसीह इस पृथ्वी पे पवित्र बन के वो स्वर्गीय स्थान में पहुंचा है, पहला मनुष्यता हो और मर के जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो ये तरीका, जो जीने की तरीका है, हमको मसीह ने सिखाया है और आज भी सिखा रहा है। जो भी वचन हमारे लिए आता है, जो नम्र बनने का है, तो हम अपने आप को नम्र बनाना चाहिए कि हम किस बात में घमंड है। घमंड हर एक के अंदर है, लेकिन बहुत सारे, किसी के पास पैसा रहता है वो भी घमंड कर सकता है, बहुत सारे टैलेंट है जिसके पास वो भी घमंड कर सकता है, जिसके पास काम करने की शक्ति है वो बोलते हैं मैंने अपने बलबूते पे इतना बड़ा मैंने ये किया है। नहीं दोस्तों, ये सब परमेश्वर का गिफ्ट है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास धन की बढ़ोतरी है। हाँ, जो ये जो घमंड करना है हमको, परमेश्वर पर घमंड करना है। तो यही बात है, परमेश्वर घमंडियों का हमेशा विरोधी करता है और दिनों पर नम्रता बरसाता है। तो हम लोग को सीखना है प्रभु यीशु मसीह से। और मैं ये कलीसिया में आने के बाद बहुत सारी बातें सीखा है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्यों हम नहीं जानते हमारे अंदर घमंड है, लेकिन हम लोग इससे बहुत अनजान है। घमंड परमेश्वर का विरोध है और परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ ये वचन के लिए। जो भी वचन यहाँ पे सीखने को मिलता है कि हमारे को जो दुनिया में चलना है इसी हिसाब से, प्रभु के हिसाब से चलना है, वो चीज़ हमको मिलता है। बड़े बड़े जो हम लोग, मैं जहाँ पे था, बड़े बड़े मतलब चमत्कार, ये वो प्रभु का अभिषेक, वो बहुत सारी बातें वो लोग बोलते हैं, लेकिन हमको प्रभु का पीछा करना है। और प्रभु ही जीवन का मार्ग है, यीशु मसीह जीवन का मार्ग है। बोलते हैं मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, इसी का पीछे हमको पीछा करना है। प्रभु को धन्यवाद।